योग गुरु बाबा रामदेव के हालिया बाड़मेर में दिए गए बयान पर शमशुल हसन बल्ली प्रदेश प्रवक्ता समाजवादी पार्टी ने बताया कि बाबा रामदेव यह वही रामदेव है जो महिलाओं के बीच में से भागा था। बाबा रामदेव ने इस्लाम धर्म को गलत कहा है। नमाज जो पढ़ता है वो फिट रहता। नमाज को लेकर आप कौन होते हैं ऐसे बयान देने वाले? अमन शांति का देश है भारत, ऐसी बयानबाजी से देश की अमन शांति को बिगाड़ने का काम कर रहा है। बाबा रामदेव, तुम्हारे द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लेते हैं और आपकी ओर से यह गलत बयानबाजी आपको सलाखों तक पहुंचा सकती है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में आपके प्रोडक्ट नहीं बिकने देगी अगर अपने देश से माफ़ी नहीं मांगी तो, और इस्लाम धर्म के 35 करोड़ लोगों से। कौन है ये बाबा रामदेव? ये वही बाबा रामदेव हैं जो महिलाओं के बीच में कूदकर भागने का काम किया था, जिसने दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ऐसे टिप्पणी करना, यही बाबा रामदेव हैं जिन्होंने एक वक्त कहा कि 48 रकात 96 सजदे करने वाला कभी अनफिट नहीं हो सकता। आज बाबा रामदेव के सुर बदल गए। बाबा रामदेव ये कहते हैं कि नमाज पढ़ने वाले गुनाह करते हैं। सबसे बड़े गुनाहगार देश के बाबा रामदेव है। इनके अकूत संपत्ति की जांच की जाना चाहिए। देश की एकता अखंडता को, हमारी गंगा जमुनी तहजीब को खंडित करने वाले ऐसे बाबा रामदेव को सलाखों के पीछे भेजने का काम करना चाहिए, क्योंकि बाबाओं ने इस देश का सत्यानाश कर दिया है। ऐसे बाबा जेलों में पड़े हुए हैं, इनका भी स्थान बाबा रामदेव का जेल में होना चाहिए। बहुत सारे बाबा हिंदुस्तान में हैं जो गंगा जमुना तहजीब को खंडित करने का काम करते हैं। हम ऐसी भी किसी ताकत को या हमारे मुल्क के अमन व अमान को, हमारे देश की एकता अखंडता को, हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब को हम ऐसे बाबाओं को खंडित नहीं करने देंगे। अविलंब बाबा रामदेव को आगे आकर अल्पसंख्यक समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। समाजवादी पार्टी कोई आगे कोई कार्रवाई करेगी क्या समाज बाबा रामदेव के खिलाफ? पूरे देश में वो गुस्सा है, पर सारे 35 करोड़ समाज में गुस्सा है। मैं कहना चाहता हूँ बाबा रामदेव जी से कि अविलंब आगे आकर माफ़ी मांगे, नहीं तो उनके प्रोडक्ट्स जो यहाँ भोपाल सहित जो जहाँ बिक रहे हैं उनके स्टोरों पे जाकर और उसके हम लोग दुकानें बंद कराने का काम करेंगे। उनको यहाँ हम लोग, हमारे बीच में हम लोग इस तरह का धंधा नहीं करने देंगे बाबा रामदेव को, क्योंकि उनका प्रोडक्ट हिंदू भी ख़रीदता है, मुसलमान भी ख़रीदता है, सिख भी ख़रीदता है, ईसाई भी ख़रीदता है। अगर इस तरह की भाषा का अगर वह प्रयोग करते हैं तो हम उनके प्रोडक्ट का भी इस देश में सामूहिक मिलकर बहिष्कार करेंगे।